सर ये कंपनी ऑडिट का जो डिविडेंड एलएलपी और ये फाइनल अकाउंट्स वाला पार्ट है ना, वो 80-90% बच्चे एग्जाम में छोड़ के जाते हैं, लेकिन इसमें से एमसीक्यू टेस्ट आ सकता है, मतलब एमसीक्यू में आ सकता है चीजें, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एग्जाम के एक दिन पहले या तो फिर एग्जाम के दिन सुबह में भी आपने लेक्चर देख लिया तो आपका उद्धार हो जाएगा। बहुत सारे एमसीक्यू के पॉइंट्स आपके कवर करवाऊंगा, मेरे साथ ही आज आपको कवर कर लेना है, मेमोरी ट्रिक्स के साथ आज आपको बताने के लिए आ गया हूं। तो वीडियो को सबसे पहले तो एक लाइक दे दो। चलो सर शुरू करते हैं फटाफट से, एक ही मतलब आधे पेज में देखो फाइनल अकाउंट्स मैंने पूरा किया है। क्या है ना सर, सुन लो इंपॉर्टेंट बातें। रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स यानी कि पुराने अकाउंट्स को मैं वापस से खोलूंगा, पिछले 8 साल के मैं पुराने अकाउंट्स को खोल सकता हूं। 8 financial years इमीडिएटली प्रीसीडिंग करंट फाइनेंशियल ईयर, यानी आज से 8 साल पहले तक के अकाउंट्स को मैं क्या कर सकता हूं सर, रीओपन कर सकता हूं। अगली बात सर, रिवाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और रिवाइज्ड बोर्ड रिपोर्ट कब की हो सकती है? तो मैंने बोला ट्रिब्यूनल के अप्रूवल चाहिएगा उसमें, और पिछले 3 साल के कभी भी मैं क्या कर सकता हूँ सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिवाइज कर सकता हूँ और बोर्ड रिपोर्ट को रिवाइज कर सकता हूँ। एनी ऑफ द 3 previous financial years, पिछले 3 financial years की मैं कभी भी क्या कर सकता हूँ सर, रिवाइज कर सकता हूँ। अगली बात, जो हमारी प्यारी नाफरा है ना, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, वो बोल रही है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अगर प्रूव्ड हो गया ना सर, तो आपको पेनल्टी लगेगी और आपको रोक दिया जाएगा, यानी कि डिबार कर दिया जाएगा। सर पेनल्टी कितनी लग रही है? 1 लाख से लेकर के फीस का 5 गुना इंडिविजुअल के केस में, और 5 लाख से लेकर के फीस का 10 गुना फर्म्स के केस में। सर याद कैसे करें? देखो सर, 1 और 10 का इधर तालमेल बना लो और 5 और 5 का तालमेल बना लो, ठीक है? ये 1-1 का तालमेल हो गया, 5-5 का तालमेल हो गया, 1 और 10 और ये 5 और 5, ऐसे आपने क्या करना है, इस चीज को याद करना है, और ऑडिटर को डिबार कर दिया जाएगा। सर डिबार यानी कि रोक दिया जाएगा, उसको स्टेचुटरी ऑडिट नहीं करने देंगे, इंटरनल ऑडिट नहीं करने देंगे, वैल्यूएशन नहीं करने देंगे 6 महीने से लेकर के 10 साल तक। सर कैसे याद रखना है, 6 + 4 = 10, लेकिन याद रखना ये एम है यानी ये महीने हैं, और ये क्या है ना, ये साल है, ये ईयर है, ठीक है? ऐसे हमें याद रखना है, बहुत सिंपल है। अगली बात पे आ देता हूँ सर, स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में चेंजेस आए थे तो वो देख लो सर। स्मॉल कंपनी क्या है ना, अदर देन पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ है और टर्न ओवर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का 40 करोड़, यानी कि पिछले साल का टर्न ओवर कितना है सर, 40 करोड़ तक है। तो पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ तक, टर्न ओवर कितना, 40 करोड़ तक। याद कैसे रखोगे सर, 4 × 10 करोगे तो 40 आ जाएगा, ठीक है? तो 4 40 4 40 करके आपको याद रख लेना है। एमसीक्यू में टेस्ट होगा तो टेंशन लेने की बात नहीं है। अब डिविडेंड से आ जाते हैं फटाफट। मैंने 2-3 पेज में क्या कर दिया सर, डिविडेंड को पूरा का पूरा सम अप कर दिया। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस सुनते चले जाओ। डिविडेंड में दूंगा आउट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन, यानी कि प्रॉफिट में से पहले मैं डेप्रिसिएशन निकालूंगा और जो प्रॉफिट बचेगा ना उसमें से मैं डिविडेंड दूंगा। सर शेड्यूल 2 किसके लिए होता है ना, जो डेप्रिसिएशन को मैं निकालता हूं ना उसके लिए, जो यूजफुल लाइफ ऑफ असेट होता है ना उसके लिए शेड्यूल 2 होता है, ठीक है? डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। सर डिविडेंड के सोर्सेस क्या है, यानी कि किस किस में से हमको डिविडेंड मिलेगा? सबसे पहले तो मेरे को करंट ईयर का प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन उसमें से डिविडेंड देना है, जो इस साल का प्रॉफिट है ना सर उसमें से मेरे को डिविडेंड देना है डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद। उसके बाद पिछले साल के प्रॉफिट में से मेरे को डिविडेंड देना है, और उसके बाद भी अगर तो मेरे को डिविडेंड की कोई लायबिलिटी बचती है ना, तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने पैसा गारंटी किया है ना सर उसमें से मेरे को डिविडेंड देना है। तो पहले क्या लूंगा, करंट ईयर प्रॉफिट, फिर पिछले साल का प्रॉफिट, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा गारंटी किया गया पैसा, ठीक है? डिविडेंड के पहले कंपनी चाहे तो प्रॉफिट का कुछ पोर्शन रिजर्व में ट्रांसफर कर सकती है, लेकिन वो ऑप्शनल है। यानी कि जो कंपनी है ना, ये जो इतना सारा उसको प्रॉफिट हुआ है ना उसमें से कुछ पोर्शन वो जाके किसमें ट्रांसफर कर देगी, रिजर्व में, अगर तो वो चाहे तो। अगली बात, करंट ईयर प्रॉफिट अगर सफिशिएंट नहीं है तो पास्ट ईयर के प्रॉफिट में से डिविडेंड देंगे, ठीक है? कोई भी डिविडेंड हम रिजर्व्स में से नहीं देंगे, लेकिन डिविडेंड हम दे सकते हैं फ्री रिजर्व्स में से, समझ रहे हो? यानी कि रिजर्व्स में से नहीं देना है आपको डिविडेंड, लेकिन फ्री रिजर्व्स में से आप डिविडेंड दे सकते हो, ऐसा आपको एमसीक्यू में टेस्ट कर सकते हैं। अगली बात, डिविडेंड निकालने के लिए जो मेरा प्रॉफिट आता है ना, उस प्रॉफिट के कैलकुलेशन में क्या चीजें एक्सक्लूड करनी है? सबसे पहले तो अनरियलाइज्ड या तो फिर नोशनल गेन, जो कि मेरे को हुआ ही नहीं है, या तो फिर रिवैल्यूएशन जो होता है ना, चेंज होता है ना कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट और लायबिलिटी में एट फेयर वैल्यू, यानी कि कोई भी मेरे को अनरियलाइज्ड हो रहा है गेन जो कि मेरे को एक्चुअली में नहीं हुआ है, या रिवैल्यूएशन से जो भी चीजें आ रही है वो प्रॉफिट के कैलकुलेशन में हमको नहीं लेनी है। अगली बात आ जाओ सर, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डिविडेंड है ना कंपनी को पे करना है विदिन 30 डेज ऑफ डिक्लेरेशन एट एजीएम, यानी कि एजीएम में जब भी वो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है ना उसके 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी को पे करना है। अगर तो कंपनी ने ऐसा नहीं किया तो कंपनी को सिंपल इंटरेस्ट लगेगा 18% पर एनम का, और डायरेक्टर इन डिफॉल्ट, सर कहां गया डायरेक्टर इन डिफॉल्ट जो है ना हमारा डीआईडी, उसको कितना लगेगा सर सुन लो, 2 साल की उसको जेल की सजा हो सकती है, प्लस 1000 पर डे उसको लगेगा कंटिन्यूइंग फेलियर के केस में। सर हम याद कैसे करें, सर देखो याद कैसे करना है ना, 2 × 9 कितना आएगा सर, 18 आएगा, और ये 9 को बनाने में देखो आपको एक 1 दिख रहा है, ये 9 को जब मैं बना रहा हूं तो 1 दिख रहा है, तो ये 1 से आपको क्या याद रखना है सर, 1000 पर डे, समझ रहे हो सर? ये कंपनी को कितना डिफॉल्ट में ये लग रहा है इंटरेस्ट, मैं बोल रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट 18 का, तो 2 × 9 18,
और ये 9 को बनाने में 1 आ रहा है, तो 1 से 1000 पर डे आपने क्या करना है सर, याद रखना है। ऐसा बढ़िया तरीके से आप याद करोगे तो आपको पक्का याद हो जाएगा, ठीक है। अब सुन लो सर, डिविडेंड अगर डिक्लेयर हुआ है आफ्टर बैलेंस शीट डेट बट बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अप्रूव्ड, यानी कि बैलेंस शीट डेट तो चली गई लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी अप्रूव नहीं हुआ है, तब डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है तो कंपनी की कोई लायबिलिटी नहीं आएगी, लेकिन एक डिस्क्लोजर देना पड़ेगा उसको नोट्स टू अकाउंट्स में, ठीक है। जो भी मेरा डिविडेंड डिक्लेयर्ड है ना, वो या तो इक्वल टू होगा या तो लेस देन होगा प्रपोज्ड डिविडेंड, यानी जो डिविडेंड मैंने प्रपोज किया था ना उससे कम भी हो सकता है, उसके इक्वल टू भी हो सकता है मेरा डिक्लेयर्ड डिविडेंड। अगली बात, जो ट्रांसफरर है ना, यानी कि जो शेयर दे रहा है और ट्रांसफरी जो है ना जो शेयर ले रहा है, तो ट्रांसफरर ने ट्रांसफरी को शेयर्स तो दिए लेकिन शेयर्स अभी रजिस्टर्ड नहीं हुए ट्रांसफरी के नाम पे, तो अगर बीच में कोई डिविडेंड डिक्लेयर हो गया ना तो कंपनी वो डिविडेंड अनपेड डिविडेंड अकाउंट में दे देगी, ठीक है। लेकिन अगर ट्रांसफरर ने रिटर्न रिक्वेस्ट करी है ना सर कंपनी को, तो कंपनी वो डिविडेंड ट्रांसफरी के अकाउंट में दे देगी, ठीक है। ऐसे तो किसमें देगी, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, लेकिन अगर रिटर्न रिक्वेस्ट आई है ट्रांसफरर की, तो ट्रांसफरी के अकाउंट में दे देंगे। और इस बीच में अगर कोई भी राइट शेयर्स बोनस शेयर्स आए ना, तो वो अबेयंस पे चले जाएंगे, अबेयंस यानी कि रोक दिए जाएंगे, राइट शेयर्स और बोनस शेयर्स इस बीच में जो भी डिक्लेयर हुए रोक दिए जाएंगे। अगली बात सर, डिविडेंड को पे करने का मोड क्या है, कैश से दो, चेक से दो, वारंट से दो, इलेक्ट्रॉनिक मोड से दो। अगली बात, अगर तो कंपनी ने पब्लिक डिपॉजिट्स में कोई डिफॉल्ट किया है ना, तो मैं नहीं दूंगा डिविडेंड जब तक कि वो ये जो डिफॉल्ट है ना वो रेमेडीड ना हो जाए, जब तक कि उसका सल्यूशन ना आ जाए वो डिफॉल्ट का, ठीक है। अगली बात, डिविडेंड है ना, डिविडेंड डिपॉजिट करना है आपको शेड्यूल्ड बैंक में विद इन 5 days ऑफ डिक्लेरेशन, यानी कंपनी ने आज अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो 5 दिन के अंदर अंदर पैसा किधर जमा करवा देना सर, शेड्यूल्ड बैंक में जमा करवा देना। इंटरिम डिविडेंड 2 AGM के बीच में आता है, ठीक है। अगली बात, अगर तो कंपनी लॉस इनकर कर रही है ना ड्यूरिंग करंट फाइनेंशियल ईयर अप टू द एंड ऑफ द क्वार्टर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड, तो उसका रेट क्या होगा, देखो सर एवरेज डिविडेंड डिक्लेयर ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 financial year। सर समझ नहीं आया, समझाता हूं। देखो मेरे को है ना डिविडेंड डिक्लेयर करना है लेकिन मेरे को लॉस हुआ है पिछले क्वार्टर के एंड तक, ठीक है। ये इसी साल की मैं बात कर रहा हूं, पिछले साल की बात नहीं कर रहा हूं, इसी साल की मैं बात कर रहा हूं। मेरे को कभी भी डिविडेंड देना है लेकिन पिछले क्वार्टर के लास्ट डे तक क्या हो रहा है, मेरे को तो लॉस हो रहा है सर मेरी कंपनी को, तो इंटरिम डिविडेंड कितना होगा, रेट इंटरिम डिविडेंड होगा इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 financial years का जो भी रेट ऑफ डिविडेंड है ना उसका एवरेज, यानी कि पिछले 3 साल में जो भी मैंने डिविडेंड दिया है ना उसका एवरेज निकालूंगा और उतना मैं इंटरिम डिविडेंड दूंगा लॉस के केस में, ठीक है। क्योंकि मेरे पिछले क्वार्टर तक क्या आ रहा था सर, इस साल लॉस आ रहा था, कुछ खास बात नहीं है। 3 साल का आपको MCQ के लिए ध्यान में रखना है। अगली बात पे आ जाओ सर, 0.10 की पेनल्टी नहीं अट्रैक्ट होगी सर। 0.10 की पेनल्टी कौन सी, ये जो मैंने बोला ना कि डिविडेंड 30 दिन के अंदर अंदर देना पड़ेगा तो पेनल्टी आएगी, तो ये अट्रैक्ट नहीं होगी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, कंपनी को 30 दिन के अंदर देना है लेकिन वो पेनल्टी अट्रैक्ट नहीं होगी कंपनी को, अगर तो कंपनी का कोई डिफॉल्ट नहीं है, यानी कि कंपनी की गलती नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, डायरेक्शंस गिवन बाय शेयर होल्डर नॉट कंप्लाइड एंड सेम इज कम्युनिकेटेड टू हिम। देख कंपनी है ना, जो शेयर होल्डर्स ने कुछ डायरेक्शंस दिए थे कि मेरे को डिविडेंड ऐसे ही चाहिए, तो ये कंपनी तो कंप्लाई नहीं कर पाई लेकिन उन लोगों ने कम्युनिकेट कर दिया, शेयर होल्डर को बता दिया उन लोगों ने, तो इसमें भी कंपनी की गलती नहीं है, तो कंपनी को कोई पेनल्टी लगेगी नहीं क्योंकि शेयर होल्डर्स को बता दिया था ना हमने। तो फिर कोई लॉ के कारण कोई रीजन हुआ है ना, ऑपरेशन ऑफ लॉ के कारण, कोई कानून के कारण, तो भी हमको क्या नहीं लगेगी, पेनल्टी नहीं लगेगी। फिर अगर तो देखो सर, कंपनी है ना वो चाहती है कि शेयर होल्डर को डिविडेंड वो दे, लेकिन शेयर होल्डर का कुछ पैसा आना अभी बाकी है, तो क्या हो गया ना, लेना देना फिट्टूस हो गया, तो लेना देना फिट्टूस हो गया तो कंपनी क्या करेगी ना, डिविडेंड देगी नहीं और उसको ऐसे में कुछ लगेगा भी नहीं पेनल्टी वगैरह, ठीक है। फिर या तो राइट टू रिसीव डिविडेंड को लेकर झगड़ा चल रहा है, पता ही नहीं है कि डिविडेंड देना किसको है, कुछ डिस्प्यूट चल रहा है ना, तो क्या होगा इस केस में, ये पेनल्टी नहीं लगेगी कंपनी और उसके डायरेक्टर एंड डिफॉल्ट को, ठीक है। तो कब कब नहीं लगेगी, कंपनी का कोई डिफॉल्ट नहीं है, डायरेक्शन जो है ना शेयर होल्डर के कंप्लाई नहीं किए लेकिन उनको बता दिया था लॉ के कारण, फिर कोई फिट्टूस हो गया लेना देना हमारा, और डिस्प्यूट अगर हो रहा है ना राइट टू रिसीव डिविडेंड के कारण, तो ये आपको डिस्क्रिप्टिव और MCQ दोनों में दिख सकता है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन को ध्यान रखना। अगली बात सर सुन लो, डिविडेंड ने डिक्लेयर तो किया गया लेकिन पे नहीं किया गया है, या तो फिर क्लेम ही नहीं किया है हमारे शेयर होल्डर ने 30 दिन के अंदर अंदर, तो क्या करेगी कंपनी, ऐसे डिविडेंड को अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डिपॉजिट कर देगी विद इन 7 days फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 30 days, यानी मैं क्या बोल रहा हूं 30 दिन के अंदर अंदर, मतलब जो 30 दिन का खत्म हो गया ना सर, 30 दिन का टाइम पीरियड खत्म हो गया, उसके 7 दिन के अंदर अंदर आपने क्या करना है, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में वो डिविडेंड का पैसा आपने डाल देना है, ठीक है। उसके बाद कंपनी क्या करेगी ना, एक स्टेटमेंट बनाएगी बढ़िया वाली जिसमें नाम लिखा होगा, पता लिखा होगा और कितना अनपेड डिविडेंड है वो लिखा होगा हर एक पर्सन के लिए, ठीक है। और ये स्टेटमेंट आपको कब बनाना है, विद इन 90 days ऑफ द ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसा जमा करने के 90 दिन के अंदर अंदर आपको ये स्टेटमेंट बनाना है और कंपनी की वेबसाइट पर डाल देना है बढ़िया तरीके से, ठीक है। अगर समझो, अगर तो कंपनी ने डिफॉल्ट किया है ना अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डालने को, तो कंपनी को लग जाएगा इंटरेस्ट 12% का, 12% का इंटरेस्ट लग जाएगा सर 12% पर है ना, अगर तो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में नहीं डाला कंपनी ने, ठीक है।
अब अनपेड डिविडेंड अकाउंट में अगर पैसा 7 साल तक रहा ना सर, कौन सा पैसा सर, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में 7 साल तक डिविडेंड का पैसा रहा जो कि इधर हमने डाला था, ठीक है, तो वो अगर 7 साल तक रहा तो वो जो शेयर्स है ना प्लस डिविडेंड का पैसा प्लस इंटरेस्ट सब जाएगा इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में, ठीक है। और जो हमारा क्लेमेंट है ना शेयर्स का, यानी कि जिसके शेयर्स हैं, वो आके एक प्रोसीजर फॉलो करके इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड से अपने शेयर्स को क्लेम कर सकता है, ठीक है। अभी ये जो अनपेड डिविडेंड वाला सेक्शन है, अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन उसका किया ना तो कंपनी को लग जाएगा 1 लाख से 10 लाख का पेनल्टी प्लस ₹500 पर डे कंटिन्यूइंग फेलियर के केस में, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को लग जाएगा 25,000 से 2 लाख का पेनल्टी और ₹100 पर डे कंटिन्यूइंग फेलियर के केस में। सर इसको याद नहीं हो रहा, याद कैसे करें? देखो सर, 1 लाख को आप डिवाइडेड बाय 4 कर देना तो 25,000 बन जाएगा, 10 लाख को आप डिवाइडेड बाय 5 कर देना तो 2 लाख बन जाएगा, और 500 को डिवाइडेड बाय 5 कर देना तो 100 पर डे बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 5, डिवाइडेड बाय 5, सब कुछ एकदम मेमोरी ट्रिक्स के साथ मैं आपको क्या कर रहा हूँ सर, बताता जा रहा हूँ। अगली बात, एक ही पेज में अपन LLP कवर कर देंगे जो कि कोई भी नहीं करके जाता है। सर सुन लो क्या बोल रहा हूँ, LLP है ना, उसका अगर टर्नओवर 40 लाख तक है या उसका कंट्रीब्यूशन 25 लाख तक है तो उस LLP को ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर उसके पार्टनर्स चाहें सुओ मोटो वो लोग ऑडिट करवा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, LLP ROC को फाइल करेगी अपना एनुअल रिटर्न फॉर्म नंबर 11 में। सर याद कैसे करें? देखो सर, LLP में ये जो LL बनाते वक्त आपको देखो एक 1 का एलिमेंट दिख रहा है, तो बस ऐसे ही आपको फॉर्म 11 को याद रखना है, ठीक है। कब तक आपको फाइल करना है ROC को? विदिन 60 डेज ऑफ द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, साल खत्म होने के 60 दिन के अंदर अंदर आपको ROC को ये फाइल कर देना है। ये हो गई अपनी पहली बात। दूसरी बात क्या है ना सर, समझो LLP जो है ना वो क्या देगी? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी देगी फॉर्म नंबर 8 में। क्या देगी सर? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी देगी विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ 6 मंथ्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू विच द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी रिलेट्स। सर देखो, यहाँ पे जो लिमिट है वो कितनी है 60, यहाँ पे जो लिमिट है वो कितनी है 30, तो कैसे याद रखना है 60 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 30, ये लिमिट आधी हो जाएगी, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी वो कितने दिन में देनी है सर, समझो सर, ये एक बार हमारा साल खत्म हो जाए ना, उस साल के 6 महीने खत्म हो जाए ना उसके 30 दिन में, विदिन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ 6 मंथ्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी ये पूरा साल खत्म हुआ, उस साल के बाद भी 6 महीने खत्म हुए, उसके 30 दिन के अंदर अंदर अपने को क्या देना है सर? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी देना है। सर सुन लो, इंस्पेक्शन अगर करना हो ना LLP के डॉक्यूमेंट्स का तो उसकी फीस है ₹50, लेकिन अगर सर्टिफाइड कॉपी या एक्सट्रैक्ट देखना है ना डॉक्यूमेंट का, LLP के किसी डॉक्यूमेंट का सर्टिफाइड कॉपी चाहिए या कोई एक्सट्रैक्ट चाहिए तो ₹5 पर पेज, ये PP माने के पर पेज का उसका फीस है। अब LLP अगर डिले कर रहा है ना डॉक्यूमेंट्स के फाइलिंग में, देरी कर रहा है ना, तो सर समझो 300 दिन से कम की उसने देरी करी ना, तो उसको नॉर्मल फीस लगेगी, एडिशनल फीस भी लगेगी, लेकिन कोई प्रोसिक्यूशन यानी कोर्ट कचहरी के कोई धक्के कोई वैसा कुछ नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो डिले कितना चला गया, मोर देन इक्वल टू 300 दिन है ना, तो नॉर्मल फी तो लगेगी, एडिशनल फी भी लगेगी, और प्रोसिक्यूशन यानी कि कोर्ट कचहरी तक भी मामला जा सकता है, ठीक है। अब सुन लो आखिरी बात, ऑडिटर जो है ना अपॉइंट करेगा, मतलब देखो ये जो LLP है ना LLP, ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा LLP के केस में? उसके डेजिग्नेटेड पार्टनर, यानी कि जो LLP का मेन पार्टनर है ना, डेजिग्नेटेड पार्टनर, वो ऑडिटर अपॉइंट करेगा LLP के लिए, ठीक है। अब जो पहला साल है ना, तो पहले साल का ऑडिटर वो कब अपॉइंट कर सकता है? एनी टाइम बिफोर द एंड, यानी कि पहला साल खत्म होने के पहले कभी भी वो ऑडिटर को क्या कर सकता है? अपॉइंट कर सकता है। कौन सा? डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ LLP अपॉइंट कर लेगा। अगले साल का क्या है ना, एटलीस्ट 30 डेज प्रायर टू एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, यानी कि साल खत्म होने से एटलीस्ट 30 दिन पहले तक तो हमको ऑडिटर को अपॉइंट कर लेना है। और डेजिग्नेटेड पार्टनर है ना कैजुअल वैकेंसी को भी फिल कर सकता है, CV बोले तो कैजुअल वैकेंसी। तो ये था हमारा लेक्चर, पसंद आया तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और कमेंट सेक्शन में लिख देना ऐसे वेल डेफिनेटली क्लियर माय सी एग्जामिनेशन इन नवंबर 23। मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप स्टडीइंग, ऑल द वेरी बेस्ट।